ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर करते चलें। मेहनत रंग लाई, एहतियात ने काम दिखाया, कोरोना का जोर टूटा और मुतासरीन की बढ़ती हुई तादाद में कमी। बड़ी खबर, पूरी कौम के लिए मुल्क भर के तमाम तफरीही और सियाहती मकामात खोल दिए गए हैं और तमाम कारोबारी उमूर अपने मामूल के मुताबिक बहाल कर दिए गए हैं। ये फैसला किया जा रहा है कि 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे भी अपने मामूल के मुताबिक तदरीसी सरगर्मियां शुरू कर सकेंगे। अम्मी अम्मी, सब तो अब घूमने फिरने जा रहे हैं, हम कब स्कूल जाएंगे? बेटा, आप भी जल्द ही स्कूल जाओगी। ना सिर्फ स्कूल बल्कि हम घूमने भी जाएंगे। लेकिन कब अम्मी? अल्लाह बहुत बड़ा है, वो बच्चों की दुआ जरूर सुनता है। देखना, हम भी एक दिन आजादी का लुत्फ जरूर उठाएंगे इंशाल्लाह। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेज भी लड़ता है सिपाही। बेशक हमारे अजाइम ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। आज़ादी एक अजीम नेमत और इनायत खुदावंद है। इसकी कीमत और इसकी कदर व मंजिलत से सिर्फ वो लोग आशना हैं जो इसके हुसूल के लिए हमा वक्त कोशा हैं। प्यारे वतन की कदर कीजिए और इसकी तामीर व तरक्की में अपना अपना मजबूत किरदार अदा कीजिए। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। टीम नई सुबह की जानिब से तमाम अहलियान वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।